हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 2018 के बजट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो आप इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा, और जो भी मेरा दोस्त इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो नीचे जो आपको रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है उसको दबा करके बेल आइकन को ऑन कर ले दोस्त, ताकि जितनी भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक पहुँच सके और आप हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकें। नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तभी पहुंच पाता है जब आप रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लेते हैं, और हो सके तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ में भी शेयर कर देना। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपका कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट करिएगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन करिएगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले बजट 2018-19 में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, आपका बजट 2018-19 में रेलवे में सुरक्षा सर्वप्रथम नीति में सुधार पर जोर दिया गया है, और 3600 किलोमीटर रेल पटरियों के नवीनीकरण का लक्ष्य रखा गया है। रेल नेटवर्क को ब्रॉडगेज में तब्दील किया जाएगा। ठीक है, ये आपको तीनों पॉइंट याद रखने हैं। नेक्स्ट आपका है, प्रत्यक्ष कर में पिछले साल 12.6% की वृद्धि, चालू वर्ष में 15 जनवरी 2018 तक प्रत्यक्ष कर में 18.7% की वृद्धि, स्टैंडर्ड डिडक्शन की फिर से शुरुआत की जाएगी और 40,000 रुपये तक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। अगर इन चीज़ का आप मतलब नहीं समझ रहे हैं तो आप सीधा सीधा बस ये चीज़ समझें कि 40,000 तक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी, क्योंकि आपको क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए कि आपका क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है, मैंने आपको बता ही दिया। वरिष्ठ नागरिकों को जमा राशि पर ब्याज आय में 50,000 तक छूट मिलेगी, तो आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है वरिष्ठ नागरिकों को कितने राशि तक छूट मिलेगी, तो 50,000 राशि तक छूट मिलेगी। 2016-17 में 85.51 लाख नए करदाता जुड़े, तो ये फिगर आपको याद रखनी है, कितने करदाता जुड़े, 85.51, और प्रत्यक्ष कर में पिछले साल 12.6% की वृद्धि हुई, तो प्रत्यक्ष कर में 12.6% की वृद्धि हुई। उड़ान योजना के तहत देश भर में 56 हवाई अड्डों और 31 हेलीपैड में कनेक्टिविटी सुविधा। सरकार क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर नहीं मानती है। कपड़ा क्षेत्र के लिए 2018-19 में 7,148 करोड़ रुपए का प्रावधान, तो इम्पोर्टेंट क्या है, 2018-19 में 7,148 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, किसमें, कपड़ा क्षेत्र में। नेक्स्ट आपका, भारत नेट परियोजना के तहत 1,00,000 ग्राम पंचायत जुड़े। 5G प्रौद्योगिकी के लिए चेन्नई में स्वदेशी टेस्टा बैंड खुलेगा। नव निर्माण स्कीम के तहत हवाई अड्डों की अक्षमता को 5 गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। डिजिटल इंडिया के आवंटन को 2 गुना करके 3,073 करोड़ रुपए किया गया। सभी टोल प्लाजा पर जल्द ही ई भुगतान प्रणाली की जाएगी। नेक्स्ट आपका है, शहरीकरण के लिए स्मार्ट सिटी और अमृत योजना। 3 वर्षों में आर्थिक विकास की औसत दर 7.5% पहुंची। सड़क निर्माण के लिए भारत माला परियोजना अनुमोदित। ASI के 100 आदर्श समारोह में बढ़ेगी पर्यटन सुविधा। रेलवे में सुरक्षा सर्वप्रथम नीति में सुधार पर जोर, और रेल
कि 3600 किलोमीटर पटरियों को नवीनीकरण का लक्ष्य, ये मैंने आपको बता ही दिया था। 600 प्रमुख रेलवे स्टेशनों को पूर्ण विकसित करने का काम शुरू। तो कितने स्टेशन? 600, ये आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाला पॉइंट है। नेक्स्ट आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 3 वर्षों में आर्थिक विकास की औसत दर 7.5% पहुंची। विश्व बैंक की कारोबार सुगमता रैंकिंग में 42 स्थानों का सुधार। आर्थिक सुधारों की यात्रा चुनौतीपूर्ण। जान सामान्य के लिए ईज ऑफ लिविंग पर जोर। 2016-17 में लगभग 275 मिलियन टन खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन। 2022 तक किसानों की आय 2 गुना करने का लक्ष्य। किसानों को एमएसपी का पूरा लाभ दिलाने के लिए सरकार प्रयासरत। मौजूदा 22,000 ग्रामीण हॉट कृषि बाजार के रूप में होंगे विकसित। 2,000 करोड़ रुपए की निधि से कृषि बाजार और संरचना कोष होगा स्थापित। कृषि उत्पाद को क्लस्टर मॉडल पर विकसित करना जरूरी। नेक्स्ट है आपका, ऑपरेशन ग्रीन्स के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रस्ताव। मछली पालन पशुपालन के लिए 2 नए फंड। मत्स्य और पशुपालन क्षेत्र के लिए आधारभूत सुविधा कोष होगा स्थापित। कृषि ऋण के लिए 11 लाख करोड़ रुपए। सिंचाई निर्माण के लिए नाबार्ड में दीर्घावधिक सिंचाई कोष स्थापित। नेक्स्ट आपका है, इस साल शुरू होगा प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येता कार्यक्रम। आदिवासी बहुल ब्लॉकों में खुलेंगे एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। 2022 तक शिक्षा में आधारभूत सुधार के लिए राइज नाम पहल का प्रस्ताव। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, राइज नाम पहल। आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत 2 कार्यक्रमों की होगी शुरुआत। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में 5.22 करोड़ परिवार हुए लाभान्वित। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 1.26 करोड़ खुले खाते खुले सॉरी। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 47 परियोजनाएं शुरू। रोजगार सृजन हमारे नीति निर्माण का केंद्र बिंदु। युवाओं के लिए स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत। राष्ट्रीय प्रशिक्षु स्कीम के तहत 2020 तक 50 लाख लोगों को वजीफा मिलेगा। कौशल प्रशिक्षण के लिए 306 प्रधानमंत्री कौशल केंद्र खुले। कृत्रिम सूचना क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू होगा। नेक्स्ट है आपका, सरकार 10 करोड़ परिवार को प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए तक की राशि अस्पताल में इलाज के लिए उपलब्ध कराएगी।
24 नए सरकारी चिकित्सा कॉलेज की स्थापना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना विश्व की सबसे बड़ी सरकारी व्यवस्था योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। उज्ज्वल योजना के तहत 8 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन, 2018-19 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका के लिए 5,750 करोड़ रुपए का प्रावधान, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के लिए 9,975 करोड़ का आवंटन, सौभाग्य योजना से 4 करोड़ गरीब घरों को मुफ्त बिजली, शिक्षकों के लिए एकीकृत बी एड कार्यक्रम होगा शुरू, वडोदरा में विशिष्ट रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उठाए कदम, दीक्षा डिजिटल पोर्टल से शिक्षकों का हुआ कौशल उन्नयन। दोस्तों इस वीडियो में था इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दूसरों को भी शेयर करिएगा, अपने सभी फेसबुक व्हाट्सएप जहाँ पे भी आप शेयर कर सकते हैं दूसरों तक अच्छी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर किया कर रहे, ठीक है। अगर आपको कोई सवाल रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है वीडियो से रिलेटेड, या फिर किसी भी जॉब से, या फिर कोई भी क्वेश्चन रहता है आपका, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है मैंने सभी वीडियो का, वहाँ पे भी जा सकते हैं। प्लस आपको टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उसमें भी जाके आप प्रीवियस वीडियो और किसी भी वीडियो का PDF ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।